बीते महीने मारवा सुलेदौर ने कुछ अजीब देखा। मीडिया में खबर फैली थी कि एवरगिवन नाम का एक जहाज स्वेज नहर में फंस गया है, जिस कारण दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया है और कई जहाज ठप पड़ गए हैं। जब मारवा ने अपना फोन देखा तो उन्हें पता चला कि इंटरनेट पर इस तरह की अफवाह फैली हुई है कि इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। मिस्र की पहली महिला जहाज कप्तान मारवा सुलेदौर कहती हैं, ये खबर देखकर मुझे झटका सा लगा। जिस वक्त स्वेज नहर का रास्ता बाधित हुआ था, उस वक्त मारवा वहां से सैकड़ों मील दूर अलेक्जेंड्रिया में एडवा 4 नाम के एक जहाज में बतौर फर्स्ट मेट काम कर रही थी। मिस्र की मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी का ये जहाज लाल सागर पर मौजूद एक लाइट हाउस तक जरूरत का सामान पहुंचाता है। 1945 में कुछ अरब देशों के बनाए क्षेत्रीय संगठन अरब लीग द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालय के अरब एकेडमी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट यानी AASTMT के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए भी इस जहाज को काम में लाया जाता है। इंटरनेट पर फैली फर्जी खबर में एवरगिवन जहाज के स्वेज नहर में फंसने में मारवा की भूमिका के बारे में स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे थे। ये खबरें संभवतः अरब न्यूज नाम की एक न्यूज वेबसाइट में छपी थी, जिसमें कहा गया था कि स्वेज नहर में हुई इस घटना में वो शामिल हैं। इस खबर में मारवा की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एडिट करके इस्तेमाल किया गया था। ये तस्वीर 22 मार्च को अरब न्यूज की ही एक खबर में प्रकाशित हुई थी, जो मारवा के मिस्र की पहली महिला जहाज कप्तान बनने के बारे में थी। मारवा की फर्जी तस्वीरों को दर्जनों बार ट्विटर और फेसबुक पर शेयर किया गया है। एवरगिवन जहाज के फंसने के बारे में झूठी खबर फैलाने के लिए उनके नाम के कई फर्जी ट्विटर अकाउंट भी बनाए गए। 29 साल की मारवा सुलेदौर ने BBC से कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये अफवाह किसने फैलाई और क्यों। वो कहती हैं, मुझे लगा कि मुझे निशाना बनाया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं एक सफल महिला हूं और मैं मिस्र से हूं, लेकिन मैं पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकती कि ऐसा क्यों किया गया। ये पहली बार नहीं है जब इस ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में मारवा को चुनौती का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो जहाजों पर काम करने वालों में मात्र 2% ही महिलाएं हैं। मारवा कहती हैं कि उन्हें हमेशा से समंदर से प्यार था, और जब उनके भाई ने AASTMT में दाखिला लिया तो उन्हें भी मर्चेंट नेवी में जाने की प्रेरणा मिली, लेकिन उस वक्त AASTMT में केवल पुरुषों को ही प्रवेश दिया जाता था। इसके बावजूद मारवा ने दाखिले के लिए आवेदन किया। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक की समीक्षा के बाद उन्हें वहां दाखिला मिला। सुलेदौर कहती हैं कि पढ़ाई के दौरान उन्हें लगभग हर मोड़ पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो कहती हैं, मेरे साथ पढ़ने वालों में अधिकतर ज्यादा उम्र के पुरुष थे जो अलग अलग सोच रखते थे। ऐसे में बातचीत करने के लिए समान सोच का व्यक्ति तलाशना मुश्किल था। अपनी मानसिक सेहत को बनाए रखकर इन सबसे अकेले गुजरना बहुत बड़ी चुनौती था। वो कहती हैं, हमारे समाज में आज भी लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि महिलाएं अपने परिवारों से दूर रहकर अकेले समंदर में काम कर सकती हैं। लेकिन जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार होता है, तो फिर इसके लिए आपको दूसरों की इजाजत लेना जरूरी नहीं होता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मारवा सुलेदौर ने जहाज में फर्स्ट मेट के तौर पर काम किया। साल 2015 में जब चौड़े किए गए स्वेज नहर में पहली बार ओएडा 4 जहाज को उतारा गया तो मारवा को उसका कप्तान बनाया गया। उस वक्त वो मिस्र की सबसे युवा और पहली महिला कप्तान थी जिन्होंने स्वेज नहर पार किया था। साल 2017 में मिस्र में हुए महिला दिवस समारोह में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी ने उन्हें सम्मानित भी किया था। जब स्वेज नहर के ब्लॉक होने के बाद उनके नाम की अफवाहें उड़ी तो उन्हें डर लगा कि इसका असर उनके काम पर पड़ सकता है। वो कहती हैं, ये फर्जी खबर अंग्रेजी में थी और इसलिए कई देशों में तेजी से फैल गई। मैंने इस खबर का खंडन करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि इससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा था, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने अब तक जो मेहनत की, ये अफवाह उन सब पर पानी फेर रहा था। हालांकि सुलेदौर कहती हैं कि उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली उससे उन्हें काफी उत्साह मिला। वो कहती हैं, इन फर्जी खबर वाले लेख में कई कमेंट थे जो नकारात्मक थे, लेकिन कई आम लोगों ने और मेरे साथ काम करने वालों ने कई सकारात्मक कमेंट भी लिखे थे। मैंने उन पर ध्यान दिया जो मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे। जो प्यार मुझे मिल रहा था उसने मेरे गुस्से को खत्म कर दिया, और मुझे लगा कि मैं लोगों की आभारी हूँ। ये बात भी सच है कि इसके बाद अब मुझे पहले से ज्यादा लोग पहचानते हैं।
कप्तान की फुल रैंक पाने के लिए मारवा सुलेदौर अगले महीने फाइनल परीक्षा देने वाली हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो इस इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। वो कहती हैं, जो महिलाएं इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि जो काम आप करना चाहती हैं, उसके लिए लड़ने से पीछे न हटें और नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें।